आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज के समाचार पत्र में महत्वपूर्ण सूचना आई है कि पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका दिखाएगा आयोग। और इसमें दे रखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विशेष अभियान चलाकर मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका दिखाने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग विवाद सामने आने के बाद लिया है। अभ्यर्थी 30 मिनट तक अपनी कापियों को यानी कि कापियों का अवलोकन करेंगे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। विशेष अभियान 20 जून से 30 जुलाई तक चलेगा। रोल नंबर के आधार पर आयोग में तिथि और पालीवार कार्यक्रम तैयार करते हुए वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी तय तिथि पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देते हुए कॉपियां देख सकेंगे। और इसमें लिखा, पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी श्रवण कुमार ने आरटीआई के जरिए उत्तर पुस्तिका देखने के बाद आरोप लगाया था कि उसकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग बदली गई है तथा एक उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं, इसी वजह से वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में यानी कि इसने याचिका दायर की थी और इसके बाद ये सुनवाई इसकी कबूल कर ली गई है, जिसके आधार पर 2022 के जो अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा में जो बैठे थे पीसीएस जे में, उनकी कॉपियों को ये सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी थी। तो इसमें दे रखा है, देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये, UPSC में 5 वर्ष से अटकी हैं हज़ारों भर्तियाँ। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विसंगतियों को दूर करने के अभाव में हज़ारों भर्तियां 5 वर्ष से अटकी हैं। पदों का अध्याचन प्राप्त होने और विसंगतियों का हवाला दिया जा रहा है। भर्तियों की आस लगाए बैठे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। कहीं शैक्षणिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट ना होने तो कहीं पर परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन या अन्य विसंगतियों इसकी वजह हैं। राजकीय इंटर कॉलेज GIC में प्रवक्ता पुरुष के 320 और महिला के 116 पदों पर और सहायक अध्यापक LD ग्रेड पुरुष के 3254 और महिला के 1708 पदों पर भर्ती होनी है। और इसमें दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन अध्याचन 2 वर्ष पहले आयोग को भेजा गया था, पर शैक्षणिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। इस बीच आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय महाविद्यालयों में यानी कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LD ग्रेड और प्रवक्ता के 3500 से अधिक रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह कहते हुए लौटा दिया है कि पहले समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर ऑनलाइन अध्याचन भेजें। इससे पहले 10768 पदों पर LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2018 में यानी कि आई थी और इसमें भी 2500 से अधिक पद नहीं भरे जा सके हैं। प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। अब समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से मामला फिर से ठंडे बस्ते में है और फिलहाल LD ग्रेड और प्रवक्ता के 10000 से अधिक पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे कहते हैं कि भर्ती में देरी करने के लिए ऐसे विवाद जानबूझकर कर दिए जाते हैं। 1.5 साल पहले अध्याचन आता है, फिर अर्हता विवाद के नाम पर वापस कर दिया जाता है। और इसके बाद इसमें दे रखा है, विसंगतियों में फंसी BEO भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों का अध्याचन भले ही मिल चुका है पर यह भर्ती भी विसंगतियों के कारण फंस गई है। करीब 300 पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी भर्ती शुरू ना होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। तो देख सकते हैं आप, ये खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के पद भी इनके पास रिक्त हैं, लोक सेवा आयोग के पास 300, और ये पता नहीं भर्तियां कब आएंगी। जैसे ही सूचना मिलेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और जो लोग नए हों चैनल पर, वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।